करनाल में निफा द्वारा अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। निफा के इस स्थापना दिवस को लेकर प्रतिदिन सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि निफा के स्थापना दिवस को लेकर 20 रक्तदान शिविर लगाने का संकल्प लिया गया था, जिसके चलते प्रतिदिन रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। आज शुक्रवार को निफा की महिला विंग द्वारा प्रेम प्लाजा में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस दौरान महिलाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता ने शिरकत की। उन्होंने रक्तदान शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने रक्तधारकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान सबसे पुण्य का कार्य है, इसीलिए प्रत्येक इंसान को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से शरीर में कोई कमी नहीं आती है, बल्कि रक्तदान करने से बीमारियां कम होती हैं तथा शरीर स्वस्थ रहता है। वहीं रक्तदान करने से किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, इसीलिए रक्तदान के क्षेत्र में भी महिलाओं को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। निफा संयोजक एडवोकेट नरेश बराना ने कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार भारत विश्व के उन टॉप 13 देशों में शामिल है जहां महिलाओं में रक्तदान को लेकर जागरूकता ना होने के चलते वो कुल रक्तदान में 10% से कम योगदान देती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल रक्तदान में महिलाओं की भागीदारी मात्र 6% है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, अमेरिका, स्वाज़ीलैंड, बैंकॉक आदि देशों में यह 40% से ज्यादा है। निफा महिला विंग की प्रधान वीना खेत्रपाल एवं भारती भारद्वाज ने कहा कि महिला विंग के सभी सदस्य जल्दी ही करनाल जिला में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न डॉक्टर के सहयोग से निःशुल्क हीमोग्लोबिन, बीपी चेकअप, ऑक्सीजन लेवल की जांच के कैंप लगाएंगे। वहीं इस अवसर पर रक्तधारकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें प्रेम प्लाजा से। यहाँ पर निफा के 20 साल पूरे होने के बाद 20 अलग कैंप लगाने का फैसला किया गया था, जिसके चलते आज महिला विंग की ओर से यहाँ पर बल्ड कैंप लगाया गया है। हम आपकी बात करवाते हैं निफा एक्सप्रेस से। हाँ जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या है जी? आज निफा के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप फॉर वुमेन एंड बाय वुमेन लगाया गया और बहुत लेडीज़ ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग भी लिया, रजिस्ट्रेशन भी हुए और लेडीज़ पहुँचे भी। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जितने भी लेडीज़ यहाँ पहुँची हैं उनमें से 5 या 7% औरतें ही जो हैं वो स्वस्थ पाई गई हैं और उनका ब्लड लिया गया है। डॉक्टर्स की टीम के चेकअप के बाद सभी को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँगी इन औरतों को कि अगर आप पूरे परिवार का ध्यान रख सकती हैं तो आप अपना भी ध्यान रखिए। अक्सर ये देखा जाता है कि औरतें अपने बारे में इतनी अवेयर नहीं होती हैं, हम बाद में खा लेंगे या ऐसा कुछ सोच के वो परिवार को खिलाने और उनकी सेवा करने में लगी रहती हैं। तो परिवार के लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो आप लोगों के लिए दिन रात एक कर सकती हैं तो आप सभी मिलके सिर्फ और सिर्फ एक औरत का तो ध्यान रख ही सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में औरतें ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ मिलें और समाज सेवा के लिए आगे बढ़ सकें। आज की औरत अगर स्पेस में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, हर क्षेत्र में आगे जा सकती है, लेकिन आज ये देखा गया कि ब्लड डोनेशन में वो आगे नहीं आ पाई क्योंकि ज़्यादा लेडीज़ के रिजेक्शन होने के चांसेस थे। तो इसलिए सभी से विनम्र प्रार्थना है कि अपने अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, अपने HBs को बढ़ाएं और तंदुरुस्त रहें और ब्लड डोनेशन के लिए आगे आएँ। आज हमने कैंप लगाया है, महिला डोनर्स के लिए कैंप लगाया है। वैसे निफा का 20 दिनों लगातार ब्लड कैंप चल रहा है। आज स्पेशल इसमें ये है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए था, इसमें सारी डोनर्स महिला थी और जिसमें ज़्यादातर हमारी महिलाएं आई हैं, आगे बढ़ के आई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं रक्त के लिए हमने ये पाया कि हमारे डॉक्टर्स ने जो प्रोटोकॉल था ब्लड डोनेशन करने का, उस ब्लड डोनेशन के लिए वो पर्याप्त नहीं था
और जिनकी वजह से कई रिजेक्शंस भी हुई, तो हम ये चाहेंगे कि जिन भी महिलाओं की रिजेक्शन हुई है जो ब्लड नहीं दे पाए हैं वो अपना रूटीन चेकअप कराएं और हेल्दी डाइट लेके अपने आप को स्वस्थ करें। और ये आप देख रहे हैं कि जिन रक्तदाताओं द्वारा ब्लड डोनेट किया गया है उनको निफा की ओर से सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है। रक्तदान एक महादान है जिसके करने से किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। इस रक्तदान शिविर का भी यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। हम आपको बता दें कि जिन महिलाओं द्वारा रक्तदान किया गया है उनको वीरांगना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ताकि वह भविष्य में भी रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक कर सके और एक उदाहरण पैदा कर सके। हम कुछ महिलाओं से बात करवाते हैं। प्रेरणा एज इन मुझे लगता है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो इसलिए बाकी मैंने पहले 3-4 बार ट्राई किया है बट बिकॉज ऑफ अंडर वेट और हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से मैं नहीं दे पाई थी, बट मैंने फर्स्ट टाइम किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि सब महिलाओं के लिए स्पेशली कि उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए, बट फर्स्टली हमें अगर पता है, और हम ये चीज़ बहुत जनों से सुना मैंने अभी यहाँ पे भी कि महिलाओं में ब्लड कम होता है या ये प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम अपनी हेल्थ का खुद पहले ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद ये वाली जो सबके मन में भावनाएं हैं ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये ख़त्म करने के लिए हमें खुद के लिए खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हमें अपना ध्यान रखना है और आगे दूसरों के लिए ब्लड डोनेट करना है। तो आप देख रहे थे कि ये बता रही हैं कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान स्वयं ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर नॉर्मल जांच में पाया गया है कि कुछ महिलाओं में खून की कमी पाई गई जिसके कारण वह रक्तदान नहीं कर पाई। मैंने ब्लड डोनेट किया, वैसे मेरा फर्स्ट टाइम था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सबको करना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, हेल्पफुल है, सबको करना चाहिए। तो कैसा लगा आज ब्लड डोनेट करके? बहुत अच्छा लगा। तो क्या फायदा? पहले डरती थी बट अब अच्छा फील हो रहा है, किसी की हेल्प, किसी की जान बच जाए तो बहुत अच्छा। महिलाएं पहले डरती थी, अब आज कैसा लग रहा है यहाँ? बस मैंने यही सुना था बट यहाँ आके सब नॉर्मल है, सब अच्छा है। तो क्या फायदा है ब्लड डोनेट का? बस किसी की हेल्प हो जाए, किसी की जान बच जाए, इससे अच्छा बेस्ट कुछ है। क्या नाम आपका? प्रज्ञा। डे पे एक 20 दिन का एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें डिफरेंट ग्रुप का ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। आज का दिन बहुत विशेष दिन है जहाँ महिलाओं के लिए आज ये ब्लड डोनेशन कैंप, यहाँ डोनर भी महिलाएं हैं और ये कैंप विशेष तौर पे समर्पित है हमारे देश के उन वीर सपूतों को, उन सच्चे सपूतों को, उन्होंने देश को एक दिशा दी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्होंने कि देश की स्वच्छता के लिए, देश में स्वास्थ्य के लिए, देश में जागृति के लिए काम किया। आज निफा की पूरी टीम यहाँ, प्रीतपाल तनु जी हैं, हमारे डॉक्टर जयदीप आर्या जी हैं, विना खेतपाल जी हैं, हमारे डॉक्टर प्रभजोत कौर हैं, हमारी पार्षदे बहने हैं मेघा भंडारी है, रजनी प्रोचा, बाकी सब हमने मिलकर एक प्रण लिया कि किस तरह से अपने समाज को एक स्वस्थ समाज रखना है। खासतौर पर इस वैश्विक महामारी के दौर में जहाँ लोग घरों में डर के बैठे हैं, तो मेरे को यहाँ आकर बहुत खुशी हुई कि महिलाओं ने डोनेट करके, महिलाओं ने लोगों की जान बचाने का जो एक जिम्मा लिया है, इसके लिए मैं पूरी वुमेन टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। डॉक्टर भारती ने बताया कि यहाँ पर लगातार ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा इस वैश्विक महामारी में भी लोगों की सहायता की जा रही है, लोगों की जान बचाने में, लोगों को मानवता का एक संदेश देने में, चाहे पौधारोपण के द्वारा है, चाहे कोई कैंप के द्वारा है। वैसे निफा की एक अपनी पहचान है, क्योंकि आज एक स्पेशल कार्यक्रम, आज एक स्वच्छता दिवस पर जो उन्होंने आयोजित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार देते हुए निफा की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। महिलाओं के लिए महिलाओं ने दिया प्लग? नहीं, मैं तो कहती हूँ सबको ही देना चाहिए, महिलाओं, और इसमें तो हम महिलाएं हर चीज़ में कहती है कि हमें हर चीज़ में बराबरी चाहिए, तो आई थिंक इसमें बराबरी करनी चाहिए। तो क्या फ़ायदा है? मैंने 3री बार दिया आज तक, तो मुझे कोई नुकसान हुआ नहीं, तो फ़ायदा ही है। आम जनता के लिए क्या कहें? यही है कि आपको हमेशा देना चाहिए ब्लड ना,
आप किसी की जान बचा रहे हो, एटलीस्ट आप किसी की जान ले नहीं रहे हो, और हमें बहुत मुश्किल से मौका मिलता है कि आप किसी की जान बचा सको, तो इसलिए हमें तरफ से ये कैंप लगाया गया, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू महिलाओं को भी, थैंक यू। मुझे भी मौका मिला था कि मैं ब्लड डोनेट कर सकूं। क्या नाम आपका? विभूति। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।